नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल यस के एक्सेलेंस ट्यूटोरियल में। तो साथियों, आज हम लोग प्रश्नावली 7C का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। 7C का क्वेश्चन नंबर 9 का जो है कमेंट बहुत आ रहा है, तो इसलिए जो है क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि शिशु 0-1, 2-1 और जो है 0-3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप लोग किताब में भी देख रहे होंगे, ठीक है। तो जो है पढ़ दिया हमने, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग हम लोग को जो है फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं हल, ठीक है, और हल में जो है जैसे कह रहा है वैसे हम लोग को फिगर बनाना। कह रहा है कि त्रिभुज इतना 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 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो एक त्रिभुज हम लोग को बनाना पड़ेगा जिसके शीर्ष ए है, ठीक है। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, यहाँ पे जो है एक त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है, जिसके शीर्ष जो है हम लोग को पता है, ठीक है। तो ये जो है एक त्रिभुज हो गया आपका, ये फ्री हैंड स्केच खींच रहे हैं, इसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो आप लोग जो है माफ़ कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर हम लोग बी मान लेते हैं और ये निर्देशांक जो है सी शीर्ष मान लेते हैं, ठीक है। और कह रहा है कि इन जो ये जो त्रिभुज है ना, इन त्रिभुजों के जो भुजाओं का मध्य बिंदु है, यहाँ से जो भुजाओं का मध्य बिंदु है, इन जो है बिंदुओं को मिलाते हुए एक त्रिभुज की जो बनेगा, इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और तब जो है इसका और इसका अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको अब हम लोग जो है क्रमशः जो है क्या मान लेते हैं, डी, और इसको मान लेते हैं ई, इसको मान लेते हैं ये, क्रमशः मान लेते हैं, मान लिया गया है, ठीक है। और इसी बात को हम लोग जो है यहाँ पे हल में लिख भी देंगे कि माना, यहाँ पे लिख दीजिएगा कि माना कि त्रिभुज के शीर्ष के जो हम लोग को त्रिभुज दिया गया है, उस त्रिभुज का जो शीर्ष क्या है, तो ए, और ए का जो है कितना है, तो 0 और -1। ये बड़ा लिख रहे हैं थोड़ा सा कि गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ए जो है शीर्ष हो गया 0 और -1, यहाँ भी आप दर्शा सकते हैं कि 0 और -1। अब जो है बी का निर्देशांक जो है क्या हो जाएगा, क्रमशः हम लोग को यहाँ से ले लेना है। तो बी का जो है निर्देशांक हो जाएगा 2 और 1, ठीक है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं 2 और 1, ठीक है। अब जो है सी का निर्देशांक जो है 0, 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 0 और 3, ठीक है। सी का निर्देशांक हो गया 0 और 3, ठीक है। अब देखिए, चूंकि आप लोगों को जो है आप लोगों को ज्ञात होगा कि निर्देशांक ज्यामिति में किसी त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, तो फिलहाल में देखिए हम लोग को जो है त्रिभुज ए बी सी का जो है शीर्ष दिया हुआ है, तो हम लोग इसका जो है फिलहाल में क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसका मतलब ये पूरे वाले त्रिभुज का, ठीक है, और तब इस त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अगर हम लोग को ज्ञात करना होगा तो ये निर्देशांक हम लोग को चाहिए। तो ये निर्देशांक हम लोग कैसे निकालेंगे, माने डी बिंदु का निर्देशांक चाहिए, ई बिंदु का निर्देशांक चाहिए, एफ बिंदु का निर्देशांक चाहिए, और ये हम लोग को जो है पता है, ए बी सी डी का जो है निर्देशांक, ए बी सी का जो है निर्देशांक हम लोग को पता है, और यह भी जो हम लोग को पता है कि ए बी का मध्य बिंदु ई है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या लगाएंगे, ठीक है। तो इससे हम लोग को जो है क्या हो जाएगा भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदु दिए गए हों, इसके मध्य में कोई बिंदु स्थिर हो, तो इसका निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। मान लीजिए कि यहाँ जो है कोई x1 है, y1 है बिंदु, और यहाँ पर कोई x2 और y2 कोई बिंदु है, और इसके बीच बीच में जो है क्या, मान लीजिए ए है, बी है, तो जो है बीचों बीच में सी बिंदु स्थिर है। तो ये जो है आप लोग किताब में भी देख सकते हैं कि दो बिंदुओं के बीच के जो है बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, कि इसको इसको जोड़ देते हैं, यानी कि x1 आधन x2 को जोड़ देंगे और बट्टे में 2 कर देंगे, तो यह जो है हम लोग को इसका x निकल जाएगा, ठीक है। अब वाई निकालने के लिए क्या करेंगे, तो वाई बराबर हो जाएगा y1 आधन y2, ठीक है, अब बट्टे में 2 हो जाता है, तो इसका वाई निकल जाता है, ठीक है।
तो इसका जो है y निकल जाएगा, इसका जो है x इस सूत्र से निकल जाएगा x बराबर, हाँ, और y बराबर जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसी सूत्र का यूज हम लोग जो है इसके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए, इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक ज्ञात करने के लिए करेंगे। तो पहले जो है हम लोग जो भाई इसका जो है क्षेत्रफल निकल जाएगा ए बी सी का, तो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि इसका निर्देशांक दिया हुआ है। लेकिन जो है त्रिभुज ई डी एफ का अगर क्षेत्रफल हम लोगों को निकालना हो तो ये जो है शीर्षों का निर्देशांक चाहिए। तो इस शीर्षों का निर्देशांक कैसे निकालेंगे भाई, तो शीर्ष का निर्देशांक देखिए, अब चूंकि जो है पहले जो है डी बिंदु का निर्देशांक निकालते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेंगे हम लोग जब ये सब दिया हुआ है, ठीक है, और ये जो है दिया है, और फिर जो हम लोग इसको भी जो हम लोग तो माने ही है ना डी ई एफ को, तो और यहाँ भी जो है फिर आगे लिख देंगे कि माना माना क्या माना कि डी डी ई और डी ई और एफ क्रमशः कौन से बिंदु के मध्य बिंदु हैं, तो क्रमशः डी ई एफ क्रमशः सी बी, सी बी का मध्य डी है तो डी इसी क्रम में लिखेंगे ना, तो पहले सी बी लिखेंगे, हाँ सी बी और उसके बाद से जो है सी बी और ई है तो ई का मध्य बिंदु ए बी का है तो सी बी ए बी, हाँ और उसके बाद जो है ए सी, ए सी के मध्य बिंदु हो गए, ठीक है, ए सी के मध्य बिंदु है, यहाँ पे लिख दीजिएगा के मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लगा देंगे, ठीक है, तो मध्य बिंदु है तो अतः मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से d का जो है x और y ज्ञात कर लेंगे, फिर e का x y ज्ञात कर लेंगे, फिर f का x y ज्ञात कर लेंगे, ठीक है, तो मध्य बिंदु के सूत्र से d का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक यहाँ पे आधार रहेगा सांक को, निर्देशांक क्या हो जाता है, तो निर्देशांक का सूत्र क्या होता है x1 धन x2, x1 धन x2 कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए इसमें तो दो बिंदु हैं तो x1 y1 और x2 y2 कर लेंगे, अब इसमें है तीन बिंदु, तो फिर जो है आप सूत्र में जो है बस आप सूत्र का मतलब समझिए, माने x1 धन x2 का मतलब जो दो बिंदु हैं तो x1 x2 कर देंगे, ठीक है, और तीन बिंदु हो चार बिंदु हो तब जो है इसके लिए हम लोग जो है जनरल फार्मूले का जो बेसिक है कि इसका एक्स एक एक्स ले लेना है, इसका एक्स लेके आधा कर देना है, ठीक है, माने फार्मूला से यह पता चल रहा है कि इसका एक्स ले लिया, इसका एक्स ले लिया बट्टे दो कर दिया, फिर इसका वाई ले लिया, इसका वाई ले लिया बट्टे दो कर दिया, तो इसी फार्मूले से जो हम लोग एक्स वन एक्स टू न लिख के अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एक्स ले लेते हैं, इसका एक्स ले लेते हैं, तो एक्स का निर्देशांक ज्ञात हो जाएगा, ठीक है, तो डी के निर्देशांक के लिए जो है क्या हो जाएगा, यक्स ज्ञात करने के लिए क्या होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे यक्स ज्ञात किया है ना, तो यक्स के लिए जो है यक्स वन धन एक्स टू अपान टू कर देते हैं, वाई के लिए वाई वन धन वाई टू अपान टू कर देते हैं, तो वाई का मान निकल जाता है, इसी तरह से यक्स का निर्देशांक के लिए क्या करेंगे, यक्स वन धन एक्स टू तो जीरो और धन दो तो कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, दो का बट्टे दो तो दो दो एक हो गया, तो यक्स का मान निकल गया आपका, इसका यक्स निकल गया एक, यहाँ पे लिखेंगे डी का निर्देशांक यक्स बराबर, यक्स बराबर क्या हो गया, तो x1 यानी कि ये अधन x2 का मतलब a, ठीक है, तो x1 x2 और x3 अब ऐसे जो है थ्री अमन जो है गड़बड़ हो जाएगा सूत्र में, तो ये इसके लिए जो हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, क्या डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे कि जीरो और प्लस टू, जीरो प्लस टू अब बट्टे में टू, ठीक है, x के लिए फिलहाल में, तो ये जो हो जाएगा टू अपॉन टू बराबर हो जाएगा एक, ठीक है, अब y के लिए जो क्या होगा, मैंने इसका x के लिए और इसका y के लिए, तो x के लिए जो है अब क्या निकला एक, अब y के लिए जो है क्या निकलेगा तो देखते हैं, तो y के जो है अब देखते हैं, तो y का मतलब जो है तीन और एक जोड़ेंगे, तो तीन अब प्लस में एक अब बट्टे में जो है दो कर देंगे, तो तीन और एक चार, और चार बटे दो का मतलब दो, दो दूना चार तो दो हो गया, तो यानी कि x का मान निकला एक और y का मान निकला दो, ठीक है, तो इसका निर्देशांक हम लोग को पता चल गया कि एक और दो होगा, ठीक है, इसी तरह से जो हम लोग ई बिंदु का भी निर्देशांक ज्ञात करते हैं, तो ई का निर्देशांक यहाँ पे लिख देंगे कि ई का निर्देशांक बराबर ई का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, तो निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, यक्स के लिए, यक्स के लिए जो है क्या होगा,
तब यहाँ पे देखिए ई का निकाल रहे हैं, तो इसका एक्स और इसका एक्स जोड़ेंगे तो दो अधन जीरो हो जाएगा, ये नहीं होगा दो धन जीरो, तो दो अधन जीरो अब बटे में हो जाएगा दो, दो अधन जीरो बटे में हो जाएगा दो, ठीक है। अब वाई के लिए जो है क्या हो जाएगा इसका, तो वाई के लिए जो है माइनस वन और प्लस में वन, मैंने माइनस में वन और प्लस में वन हो जाएगा भाई, वाई वन धन वाई टू, इसका मतलब कि इसका ए और इसका ए, ठीक है। तो इसको जो हम लोग ले लेंगे माइनस में वन प्लस में वन और बटे में दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो बटे दो का मतलब जीरो। तो इसका जो है निर्देशांक हम लोग को क्या पता चला, और इसको भी सॉल्व कर लीजिए यक्स को, तो यक्स अब दो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दो ये होगा, दो बटे दो का मतलब एक, ठीक है। तो यक्स का मान इसका निकला एक ई का, और वाई का मान निकला जीरो, तो वन जीरो हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यफ, तो यफ का मान निकालने के लिए फिर इसका यक्स इसका यक्स जोड़ेंगे, तो यक्स यक्स जो है भाई इसका यक्स जीरो है, इसका यक्स जीरो है, तो जीरो जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, जीरो बटे दो का मतलब जीरो, ठीक है। तो इसका यक्स जो है आपका प्राप्त हो जाएगा जीरो। मैंने यहाँ पे जो है कर लीजिएगा कि जो है यफ का निर्देशांक, यफ का निर्देशांक, यफ का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर निर्देशांक यक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा जीरो और प्लस में, सॉरी यहाँ पे यक्स बराबर क्या हो जाएगा, जीरो और प्लस में जीरो बटे दो, और वाई बराबर क्या हो जाएगा इसका, मैंने इसका इसका भाई यफ का निकाल रहे हैं तो इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं, तो यक्स यक्स जो है जीरो हुआ है, तो जीरो बटे दो का मतलब जीरो, ये इसका जो है क्या हो जाएगा, तो माइनस वन और प्लस में तीन, माइनस वन और प्लस में तीन दिया है, मैंने वाई वन और वाई टू करेंगे ना, तो यहाँ पे वाई वन वाई टू का मतलब वाई और इसका वाई, तो इसका वाई माइनस वन इसका वाई तीन, तो माइनस वन और प्लस में तीन करेंगे और बटे में दो, तो तीन में से एक जा दो और दो बटे दो का मतलब एक, ठीक है। तो इसका जो है एक्स का मान जो है कितना निकला जीरो, और वाई का मान जो है कितना निकला तो एक, ठीक है। तो जीरो वन जो है किसका निर्देशांक हो जाएगा, इसका जीरो और वन, इसका निर्देशांक हो गया जीरो वन, ठीक है। तो अब जीरो वन इसका निर्देशांक हो गया, तो इसका जो है निर्देशांक एफ का निर्देशांक हो गया जीरो वन, ठीक है। तो अब इनका भी जो है तीनों निर्देशांक निकल गया, इसका तीनों निर्देशांक निकला ही है, तो अब जो हम लोग जो है पहले ए बी सी का जो है क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, तो अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर लिख देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे भाई सब निर्देशांक ज्ञात कर लिए अब हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे हम जो है क्या, अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर यहाँ पे यहाँ से लिखते हैं क्योंकि सूत्र इसका बड़ा है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक बटे दो, और कोष्ट में भाई त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, भाई निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है क्योंकि जो है निर्देशांकों के माध्यम से ज्ञात करना पड़ता है, तो निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है एक बटे दो, आप लोग किताब में भी देख सकते हैं, ठीक है। प्रश्नावली 7C से पहले जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र जो है क्या होता है, तो एक बटे दो आई एक्स वन इन टू, ठीक है, यहाँ पे एक्स वन इन टू करके ब्रैकेट लगा के, ब्रैकेट का मतलब इन टू, तो ब्रैकेट लगा के वाई टू माइनस में हो जाएगा वाई थ्री, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस रहता है, उसके बाद जो है एक्स वन है तो यहाँ पे एक्स टू रहेगा पहरादार के रूप में, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, तो वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई थ्री हो जाएगा यहाँ पे माइनस में वाई वन हो जाता है, ठीक है। प्लस में जो है वाई थ्री माइनस वाई वन माइनस वाई टू हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा एक्स थ्री, और यहाँ पे जो है वाई वन माइनस एक्स वाई टू माइनस वाई थ्री माइनस वाई वन माइनस वाई टू हो जाएगा, वाई वन माइनस वाई टू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ब्रैकेट बंद कर देते हैं, ठीक है। यही जो है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का आपका सूत्र होता है, ठीक है। तो हमने जो है ये सूत्र लगा दिया, ठीक है। अब सूत्र लगाने के बाद से जो है क्या करेंगे, इस सूत्रों में जो है मान रख देंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग के पास समस्या है कि त्रिभुज ए बी सी में
एक्स वन कौन होगा, एक्स टू कौन होगा, एक्स थ्री कौन होगा, और फिर वाई वन कौन होगा, वाई टू कौन होगा, और वाई थ्री कौन होगा। ठीक है, तो ये समस्या है। तो इस समस्या का सलूशन यह है कि यहाँ पे देखिए क्रमशः जो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्रमशः इसको मैंने ए शेष का जो निर्देशांक है इसको जो है क्या मान लेंगे, एक्स वन मान लेते हैं, यहाँ पे हम दे देते हैं। तो ए शेष का जो निर्देशांक है इसको एक्स वन मान लेते हैं, इसको वाई वन मान लेते हैं, इसको एक्स टू मान लेते हैं, इसको वाई टू मान लेते हैं, और फिर इसको एक्स थ्री मान लेते हैं, इसको वाई थ्री मान लेते हैं, और इस जो है सूत्र में भर लेते हैं। ठीक है, आप लोग जो है इसको कॉपी पे नोट कर लीजिएगा और इसमें जो है भर लीजिएगा। त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर सूत्र हो गया एक बटे दो इतना। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे तो फिर बराबर लिखेंगे, मैंने इतना बराबर यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक बटे दो हैं, और जो है ब्रैकेट लगा के एक्स वन का मान रख दीजिए। तो एक्स वन का मान हम देख पा रहे हैं कि जीरो है। ठीक है, तो एक्स वन का मान हम यहाँ पे जीरो लिख देंगे, आई इन टू वाई टू और माइनस, तो वाई टू का मान आप लोग देख रहे होंगे कि एक है। यहाँ पे देखिए एक्स वन, तो एक्स वन का मान जीरो है, और फिर जो है अब सूत्र में क्या है, एक्स वन इंटू वाई टू माइनस वाई थ्री, तो वाई टू का मान यहाँ पे देखिए एक है, वाई थ्री का मान तीन है, तो एक यहाँ पे लिखेंगे वाई टू के जगह पे एक, वाई टू के जगह पे क्या लिखेंगे एक, अब बीच में जो है क्या होता है माइनस होता है तो माइनस, और वाई थ्री, तो वाई थ्री का मान आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कितना है, तीन है, वाई थ्री का मान यहाँ पे तीन है। ठीक है, वाई टू का मान एक है, वाई थ्री का मान तीन है, तो यहाँ पे लिख देंगे वाई थ्री का मान जो है क्या आ रहा है, तीन, और वो जो है प्लस में है तो माइनस में तीन रहेगा। मैंने कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो है प्लस में तीन है तो जो है तीन रखेंगे, क्योंकि यहाँ जो है सूत्र में ऑलरेडी पहले से जो है क्या होता है माइनस होता है सूत्र में, तो यहाँ माइनस है तो माइनस है रखेंगे। ठीक है, यहाँ जो है माइनस में जो है तीन हो जाएगा। ठीक है, अगर यह माइनस में तीन रहता तो यहाँ प्लस होता। ठीक है, तो ये प्लस में है तो माइनस में ही दिखेगा, यानी कि ऐसे ही दिखेगा। उसके बाद से यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर एक्स टू का मान ले लेते हैं, तो एक्स टू का मान आपका जो है दो है तो दो ले लेंगे, फिर वाई थ्री, तो वाई थ्री का मान यहाँ पे तीन है। यहाँ से सब आप लोग भर लीजिएगा, चाहे इसको जो है नोट कर लीजिएगा इधर। ठीक है, और देख देखे इसमें से भर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब जो है एक्स टू के जगह पे जो है दो रख देंगे, और फिर वाई थ्री के जगह पे कितना है, तो वाई थ्री के जगह पे तीन दिया है माइनस वाई वन, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि वाई वन का मान माइनस में वन है। तो यहाँ पे देखिए वाई वन का मान माइनस में, भाई भाई माइनस तो ऑलरेडी सूत्र में पहले से मौजूद है, आई इसके बाद से माइनस वन रखना है ना, तो इसको अब हम लोग जो है डबल जो है छोटा कोष्टक हो जा रहा है, तो इसको जो है मझला कोष्टक में रखते हैं। ठीक है, अब इसको जो है फिर ये जो है इसका कहानी ख़त्म, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस। ठीक है, अब यहाँ प्लस है तो प्लस हो ही गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक्स थ्री के जगह पे जो है क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स थ्री का मान जो है जीरो है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे एक्स थ्री का मान क्या है, जीरो है, तो एक्स थ्री के जगह पर हम लोग जो है क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स थ्री की जगह पे हमने जीरो रख दिया, फिर वाई वन का मान माइनस वन और वाई टू का मान माइनस वन है। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हमने रख दिया। ठीक है, अब जो है क्या होगा, तो अब बराबर लिख के फिर लिखेंगे एक बटे दो, और जीरो का जो है अब मान लीजिए जीरो है, इसमें कोई भी संख्या रहेगा तो जीरो हुआ होगा, तो जीरो रख दिया, फिर यहाँ दो, इसको सॉल्व कर लिया, तो इसको सॉल्व किया तो दो है तो दो ही रहेगा यहाँ पे, और तीन है तो यहाँ पे तीन रखेंगे, आई देखो माइनस वन है, और फिर ब्रेकेट में है माइनस वन, सॉरी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस वन है, तो जब ब्रैकेट खोलते हैं तो माइनस माइनस का गुणा होगा तो ये हो जाएगा प्लस में अब वन। ठीक है, यहाँ आप लोग याद रखिएगा कि माइनस गुणा माइनस प्लस होता है, और माइनस गुणा प्लस माइनस होता है, और फिर प्लस गुणा माइनस तो जो है माइनस से होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा, तो वही यहाँ पे हो रहा है कि माइनस और माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा प्लस और वन, तो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस में जीरो, इसमें जो कुछ भी अब रहेगा, और जब गुणा होगा तो जीरो हो जाएगा, तो ईहो हो जाएगा प्लस में जीरो। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे। अब इसके बाद से क्या करेंगे, तो यहाँ पे फिर बराबर लिखेंगे एक बटे दो लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए तो तीन और एक चार हो जाएगा, और चार, और जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इसमें गुणा होना है, तो चार दुना हो गया ये आठ है, जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आठ हो गया, ये जीरो हुआ है तो ये हो जाएगा आठ। मैंने कहने का मतलब ये है कि इसको एक स्टेप करेंगे तो तीन एक चार होगा, और चार का फिर दो में गुणा होगा, तो चार दुना आठ हो गया, आई जीरो है तो जीरो रहेगा। ठीक है, तो अब दो से चाहे तो इसको काट सकते हैं, दो चौको आठ,
तो ये हो जाएगा क्या, 2 चौक 8 ऊपर ही जो है 4 रहेगा, 4 का एक में गुणा हुआ तो 4 होगा, ठीक है। तो 4 जो है वर्ग इकाई जो है क्या होगा, वर्ग इकाई चूँकि क्षेत्रफल है तो वर्ग इकाई में लिखेंगे जब डायमेंशन नहीं पता है तो, ठीक है। तो 4 वर्ग इकाई जो है आपके जो है ए बी सी का जो है क्षेत्रफल हो गया। तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रेंगल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो गया 4 वर्ग इकाई, ठीक है। 4 वर्ग इकाई जो है इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इस छोटे वाले त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। तो छोटे वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब हम लोग जो है इसको भी जो इसी सूत्र से निकालेंगे, ठीक है। तो इस सूत्र से अब इसको निकालेंगे तो जो है कितना हो जाएगा, अब इस सूत्र से निकालते हैं डायरेक्ट, ठीक है। इस सूत्र से तो यहाँ पे जो हम लोग देख रहे हैं कि इसको जो हम लोग एक्स वन कह दें, ठीक है। अब इसको जो है एक्स वन कह दीजिए, इसको वाई वन कह दीजिए, ठीक है। और जो है इसके लिए जो है एक हम पेन पेज ले लेते हैं नया, ठीक है, तो सही रहेगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, आप लोग को हम डायरेक्ट मान रखते हैं इसमें। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, यहाँ पे आप लोग जो है एक्स वन आई जो है वाई वन रख दीजिए, आई इसको एक्स टू आई इसको वाई टू रख दीजिए, आई इसको जो है आप एक्स थ्री आई इसको वाई थ्री रख दीजिए, ठीक है। किसको, 0 1 को, ये 0 हो जाएगा एक्स थ्री और 1 हो जाएगा वाई थ्री, ठीक है। आई इसका मैंने ई बिंदु का निर्देशांक 1 0 है ना, तो एक्स का मतलब एक्स टू का मतलब 1 और वाई टू का मतलब 0, ठीक है। इसको अच्छी तरह से जो है हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसको जो अच्छी तरीक़े से हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि डी का निर्देशांक क्या है, तो डी का निर्देशांक 1 और 2 है, और ये हो जाता है हमारा एक्स वन और ये हो जाता है वाई वन, ठीक है। और जो है यहाँ पे सी का निर्देशांक जो है क्या है, तो सी का निर्देशांक जो है हम लोग को ए डी ई अब तो डी ई तो ई का निर्देशांक हम लोग को मिल जाएगा 1 और 0, जिसको हम लोग जो है कह सकते हैं कि एक्स टू और वाई टू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से जो है एफ, तो एफ बिंदु का निर्देशांक जो है क्या मिलेगा, तो एफ का निर्देशांक हम लोग को मिला हुआ है 0 और 1, ठीक है। तो इसको हम लोग 0 को कह सकते हैं एक्स थ्री और वाई थ्री को जो है 1 कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो हम लोग को क्या करना है, मान भर देना है त्रिभुज डी ई एफ के क्षेत्रफल के लिए। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो वही सूत्र लगाएंगे इसमें भी 1/2 ब्रैकेट बंद एक्स वन और फिर वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है, और फिर जो है प्लस करके एक्स वन और फिर वाई टू माइनस वाई थ्री, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री माइनस वाई वन, और फिर जो है यहाँ पे एक्स टू रहेगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो है क्या आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, फिर यहाँ पे आ जाएगा एक्स थ्री, और एक्स थ्री को जो है क्या लिखेंगे, वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई वन माइनस वाई वन माइनस वाई टू, वाई वन माइनस वाई टू हो जाएगा, ठीक है। इसको जो है अगर नहीं समझ में आ रहा है ना कि कैसे इसको जो है याद रखेंगे, तो आप लोग जो है इस जो है नियम को जान लीजिए, यहाँ पे गोला बना दीजिए, आ इसको लिखिए वाई वन, आ इसको लिखिए वाई टू, आ यहाँ पे लिख दीजिए वाई थ्री, ठीक है। और बस एक चीज़ याद रखिएगा कि हम लोग को शुरू कहाँ से एरो करना है, तो वाई टू से स्टार्ट करना है, तो वाई टू वाई थ्री पहले ले लेंगे, वाई टू माइनस वाई थ्री, ठीक है, फिर वाई थ्री माइनस वाई वन ले लेंगे दूसरा स्टेप में, ठीक है, और तीसरा स्टेप में वाई वन वाई टू आ जाएगा, वाई वन वाई टू आ गया, आई जो है क्रमशः एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री रख देना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग जो है मान भर देते हैं, तो 1/2, अब एक्स वन का मान देख लीजिए, तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, ठीक है, आ इन टू वाई टू, तो वाई टू का मान जो है 0 है, तो 0, और माइनस में वाई थ्री, तो वाई थ्री का मान जो है आपका मिल जाएगा 1, ठीक है, वाई थ्री का मान 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है। और फिर यहाँ प्लस है तो प्लस, उसके बाद से जो है यहाँ पे देखिए एक्स टू, तो एक्स टू का मान आपका 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1, ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे 1, और फिर जो है y3, तो y3 का मान आपका कितना आ गया, तो y3 का मान 1 है, तो 1 लिख देंगे, और माइनस में y1, तो y1, तो y1 का मान है 2, तो यहाँ पे लिख देंगे 2, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है।
अब उसके बाद से यहाँ पे बराबर लिख के 1/2 लिख के यहाँ पे लिखेंगे। अब 0 में से -1 जा तो -1 ही होगा, -1 का इसमें गुणा होगा तो माइनस में 1 नहीं होगा, क्योंकि माइनस में 1 और प्लस में 1 जब गुणा होगा तो प्लस माइनस का गुणा हम लिखाए होंगे कि माइनस से होता है, तो -1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, मैंने यहाँ पे देखिए 1 प्लस में 1 है और यहाँ को इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में से 2 घटाएंगे, घटेगा नहीं घटेगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे, चिन्ह माइनस का लिखेंगे। ठीक है, ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये हो गया कि 1 में से 2 घटाएंगे तो 2 में से 1 घटा लेंगे, चिन्ह माइनस का लिखते हैं, मैंने चिन्ह माइनस वाला अधिक है तो माइनस वाला यहाँ पे रखेंगे, या नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कभी भी जब कम में से अधिक घटाते हैं तो माइनस में आता है, ये हो याद रखिए। ठीक है, अब इसको जो 1/2, ठीक है 1/2 हो गया ब्रैकेट में, अभी देखिए -1 और प्लस में, अभी देखिए इसको सॉल्व करना है ना, तो यहाँ पे देखिए -1 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में देखिए इसका इसके साथ अभी गुणा होगा, जब अभी ब्रैकेट हटाएंगे ना तो 1 का इसके साथ गुणा होगा, तो प्लस में 1 है माइनस में 1 है, तो प्लस माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 होगा क्योंकि यहाँ प्लस में 1 का यहाँ इंटू है। ठीक है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 होगा, तो +1 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -1 नहीं होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और -1 और -1 तो माइनस में हो गया 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 और गुणे -2। ठीक है, तो -2 तो 2 से 2 कैंसिल, बचा -1 तो -1 का 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -1, जबकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए लिख देंगे त्रिभुज त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया, -1, अर्थात -1 नहीं होगा, क्षेत्रफल हमेशा प्लस में रहेगा, तो प्लस में 1, मैंने माइनस को हम लोग जो +1 ही लिखेंगे वर्ग इकाई, इसको जो +1 ही वर्ग इकाई मानेंगे। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि क्षेत्रफल हमेशा जो है क्या लेते हैं, धनात्मक लेते हैं, यहाँ पे रीजन भी लिख दीजिएगा नोट, क्षेत्रफल धनात्मक होता है, क्षेत्रफल धनात्मक होता है। ठीक है, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, एग्जामिनर समझ जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल धनात्मक लिया है। ठीक है, अब जो है इस क्वेश्चन में हम लोगों को कहा क्या गया है कि जो है कह रहा है कि इतना इतना त्रिभुजों के मध्य बिंदुओं पर बनने वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और उसके बाद से जो है क्या कीजिए, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल से, इस क्षेत्रफल का मतलब समझ लीजिए कि छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल की बात कर रहा है, तो इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज यानी कि जो बड़ा वाला त्रिभुज दिया है उसके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि जो है अनुपात बराबर जो है क्या कह रहा है, अतः अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार दिए गए त्रिभुज का अनुपात, दिए गए नहीं से बनने वाले त्रिभुज का अनुपात से, यहाँ पे है ना, से कह रहा है कि मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और इस क्षेत्रफल का यानी कि मध्य बिंदु से बनने वाले क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के साथ मध्य बिंदु को मिलाने से बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज यहाँ पर लिख दीजिएगा क्षेत्रफल त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल और बट्टे में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा क्षेत्रफल, प्रश्नानुसार क्षेत्रफल इतना, क्षेत्रफल ए बी सी का क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल डी ई एफ का क्षेत्रफल ए बी सी का अनुपात हम लोगों को ज्ञात करना है, तो डी ई एफ का जो है अभी निकाले हम लोग 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, अब बट्टे में जो है इसका निकाले ही हैं हम लोग, किसका, त्रिभुज ए बी सी का, यह ना दिया गया त्रिभुज है, तो त्रिभुज ए बी सी का 4 वर्ग इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 4, तो 1/4 जो है यानी कि 1:4 का अनुपात हो रहा है, 1:4 का अनुपात हो रहा है,
भाई डी जी एफ का क्षेत्रफल 1 आया है तो 1 वर्ग इकाई रख देंगे, ए बी सी का क्षेत्रफल 4 आया है तो 4 वर्ग इकाई रख देंगे, ठीक है। और इससे फायदा क्या हुआ कि इसका अनुपात निकल गया, तो यहाँ पे लिख देंगे कि अतः, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा कि अतः 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 क्या, अतः क्षेत्रफल डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल का अनुपात बराबर हो जाएगा कितना, 1/4 का मतलब 1 = 4, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि यह सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, और सवाल समझ में आता है तो साथियों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आल नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन दबाइएगा, जिस पे ऐसे रहता है और दोनों ओर ऐसे बना रहता है, ठीक है। तो ये वाला जो है बेल आइकन आप लोग दबा दीजिएगा, ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आता रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।